मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों गठबंधन में लड़े, और दोनों ही नहीं, मैं तो चाहूंगा कि सपा भी इसमें साथ में हो। हमारा दुश्मन हमारा यादव समाज नहीं है, हमारा दुश्मन इस देश में जो मनुस्मृति को लाना चाहता है वो हमारा दुश्मन। किसको कितनी सीटें मिल रही है ये नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी तरह से बीजेपी को, आरएसएस को उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने से रोका जाए। अन्ना हजारे इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग के लिए लाखों लोगों को अगर दिल्ली में बुला सकता है, तो हम अपने अधिकार के लिए इन लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते? हमारे पास उतनी ताकत। आने वाले जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्योंकि बहुत इम्पैक्टफुल होता है वो, कहते हैं कि लोकसभा का रास्ता होके वहां से निकलता है, तो 2022 में जो ये चुनाव है विधानसभा के, ये कितना इम्पैक्ट रखेंगे? और अगर खुदा ना खासा अगर वो जीत जाती है बीजेपी, तो क्या होगा उसका असर? देखिए, मैं आपको एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक सर्वे किया कि 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, और सभी पार्टियां, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, अभी चंद्रशेखर की पार्टी है, ये सभी लोग अलग अलग लड़ने वाले हैं। इन लोगों में कोई कोएलिशन नहीं होगा, गठबंधन नहीं होगा, और इससे होगा क्या कि बहुजनों के जो वोट्स हैं वो डिवाइड होंगे, सपा में, बसपा में, आजाद समाज पार्टी में, और एमआईएम में, सभी लोगों के वोट्स डिवाइड होंगे, और मिनिमम या बहुत ही कम मार्जिन में बीजेपी फिर से जीत जाएगी, और फिर से सीएम बीजेपी का होगा, और इसी सीएम को लेकर, यानी योगी को लेकर 2024 में इस देश में जब लोकसभा की इलेक्शंस शुरू होंगी, तब बीजेपी का, उत्तर प्रदेश का सीएम ये देश के पीएम पद पर दावेदार होगा। यानी योगी को, जो एक क्या कहते हो आप, महंत है या पंडित है, एक साधु को देश के पीएम कैंडिडेट के लिए खड़ा किया जाएगा, और फिर इस देश को ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने का कार्यक्रम शुरू होगा। यह है इनके पीछे इनकी मंशा, यह है इनका प्लान, जो एनडीटीवी ने अपने रिपोर्ट में बताया है। और इसलिए मैं ये कोशिश में लगा हूं, उत्तर प्रदेश में दौरे हो रहे हैं, पंजाब में दौरे हो रहे हैं, हरियाणा में दौरे हो रहे हैं, कि हमारे बहुजन आपस में नहीं लड़े। जहां जहां पर वो बीजेपी को हराने में सक्षम है, उस पार्टी के साथ हमको खड़ा होना चाहिए। हमारे वोट्स डिवाइड हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के वोट्स डिवाइड होते हैं। देखिए, सपा को यादव वोट्स तो इकट्ठा मिल जाएंगे, सवाल हमारे वोट्स का है। हमारे वोट्स डिवाइड हो जाते हैं, हमारे वोट्स सपा में जाते हैं, हमारे वोट्स अभी चंद्रशेखर आजाद के पार्टी में जाएंगे, हमारे वोट्स कांग्रेस को जाएंगे, हमारे वोट्स एमआईएम को जाएंगे। एक शेड्यूल कास्ट, उसके वोट्स चार पांच पार्टियों में बट रहे हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में लोगों में ये जागृति निर्माण कर रहा हूं कि इस बार 2022 में मेरे लिए कोई पार्टी बड़ी नहीं है, ना ही कोई नेता मेरे लिए बड़ा है, हमारे लिए विचारधारा बड़ी है। इसलिए उस विचारधारा को सामने रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश में यही बात कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी में अंतर्गत कितने ही उसमें झगड़े क्यों ना हो, हमारी आइडियोलॉजीज क्यों एक दूसरे से मिलती ना हो, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय लेवल पर बसपा बहुजनों की एकमेव पार्टी बची हुई है, एकमेव पार्टी बची हुई है। इसलिए आपस के सारे झगड़े भुलाकर, हमारे लोग बहुत कहते हैं कि मायावती जी ये कर रही है, वो कर रही है, ये काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही। मैंने पंजाब में भी ये बोला कि 2022 तक आप लोग इस तरह के बयान ना दे, झगड़े ना करें, अपने समाज के वोट्स इकट्ठा हमको इस पार्टी के लिए ट्रांसफर करवाने होंगे, वरना एक ही पार्टी, एक ही समाज के लोग आधे एएसपी में जा रहे हैं। देखिए, मैं तो चंद्रशेखर भाई का भी मैं कोई दुश्मन तो हूं नहीं, लेकिन चंद्रशेखर भाई आज युवा है, यंग है, और 40-50 साल उनके हाथ में है, समय है। मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों गठबंधन में लड़े, और दोनों ही नहीं, मैं तो चाहूंगा कि सपा भी इसमें साथ में हो। हमारा दुश्मन हमारा यादव समाज नहीं है, हमारा दुश्मन इस देश में जो मनुस्मृति को लाना चाहता है वो हमारा दुश्मन है। मेरी ये कोशिश रहेगी, आपस में मैं कई सारी मीटिंग्स कर रहा हूं कि आप लोग गठबंधन में लड़े, अलग अलग ना लड़े, चाहे वो एएसपी हो, बीएसपी हो, सपा हो, एमआईएम हो। हमारा दुश्मन आज हमारे घर के दरवाजे तक आ चुका है।
अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो इस देश के संविधान को वो खत्म कर देगा। मैं संविधान की दुहाई देते हुए इन सभी पार्टियों के नेताओं से अपील करूंगा कि हमारा उद्देश्य अब किसको कितनी सीटें मिल रही है ये नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी तरह से बीजेपी को, आरएसएस को उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने से रोका जाए, पंजाब में फिर से सत्ता बनाने से रोका जाए और पर्याय में 2024 में इनको संसद से दूर रखा जाए। लेकिन सर, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो अपने जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं वो उनकी सबसे कमज़ोर नब्स पकड़ लेती है, चाहे आप बसपा की बात करें, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात करें। आपने जैसा देखा आजम खान के साथ उन्होंने किया, आप मायावती के भतीजे के साथ जो केस हुआ उसको लेकर देख लीजिए। और ये उनको लड़ाने का काम, जिसको आप यूनिटी की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, ये वही नहीं होने देते। इसको कैसे आप समाज में, राजनीति में, राजनीतिक पार्टियां इसको कब समझेंगी और कब अपना दायित्व निभाना शुरू करेंगी? देखिए, जैसे आपने बताया, सभी पार्टियों के नेताओं को इन्होंने डरा धमका कर रखा हुआ है। सीबीआई, ईडी, ये सारे इनके पीछे लगा दिए हुए हैं। इसलिए हम नेताओं से ज्यादा वोटरों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। नेता एक हो ना हो, लेकिन अब देश के लोगों को आगे आना होगा। पार्टियां, आज इस देश में पार्टी पॉलिटिक्स चलती है। कितने भी लोग हो, हम लोग अलग अलग बंटकर काम नहीं कर पाएंगे। अलग अलग बंटकर वोट जब बिखर जाएंगे तो बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। इसलिए हम लोगों में यही कोशिश कर रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट भी मजबूत होनी चाहिए। अगर संसद हमारी बात नहीं कर रही है तो देश के लोग एक होकर अपनी बात वहां पर रखें, नॉन पॉलिटिकल फ्रंट से रखें। इसलिए हम लोग संविधान सुरक्षा आंदोलन तैयार किए। संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से इस देश में सभी माइनॉरिटीज को हमने एक किया हुआ है। अभी हम लोगों की संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से अकाल तख्त के जो चीफ है उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया। वो भी हमारे प्रेसिडियम में शामिल है, बुद्धिस्ट में शामिल हूँ, मुस्लिम्स के कई बड़े चेहरे, बड़े नाम इसमें शामिल है। उनके परमिशंस के बिना मैं वो नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, सिख है, सभी लोगों को लेकर। क्योंकि अगर कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारी बात नहीं कर रही है, क्योंकि इनके पीछे सीबीआई ईडी लगा दिया है, तो हम तो इनके भरोसे पे नहीं बैठ सकते। हम तो नहीं बैठ सकते कि ये संसद में हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रहे। अगर संसद हमारी आवाज नहीं उठाती है तो रास्तों पर हम बैठकर अपनी आवाज उठाएंगे। एक अन्ना हजारे इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग के लिए लाखों लोगों को अगर दिल्ली में बुला सकता है तो हम अपने अधिकार के लिए इन लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते? हमारे पास उतनी ताकत है? अगर इस देश के हमारे नेता हमारी बात नहीं करते हैं तो हम इस डोर को अपने हाथ में लेंगे और हमारी आवाज सिर्फ देश में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाने की काम मुहिम हम करेंगे। सर, इस जो बातें आप कर रहे हैं, काफी हद तक किसान आंदोलन ने उसको शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन के जरिए ये दिखा दिया गया है कि अगर संसद में चर्चा नहीं हो सकती तो वो अपनी संसद चला के अपनी चर्चाएं खुद सरकार को सुना सकते हैं और उस पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस पूरी राजनीति में जो ये किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ ले रहा है, इसकी भूमिका को कैसे आप देखते हैं? देखिए, किसानों ने जो आंदोलन किया, भूमिका ली, मुझे आज भी याद है कि जब ये बिल बना, मैं जब इसको रीड आउट किया और मैंने देखा कि किस तरह से भयानक कानून है, तब तक किसान रास्तों पर भी नहीं आया था। उन्हें शायद इसके बारे में पता भी ना हो। मैंने मेरे फेसबुक लाइव से लोगों को बताया कि देखो ये बिल, और वो भी रात के 2 बजे तक पार्लियामेंट चल रही थी। रात के 2 बजे तक पार्लियामेंट चलने के बाद ये बिल पास हुआ और मैंने तब ये बताया कि 2-2 बजे तक पार्लियामेंट चल के ये हमारे देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं। और फिर जब किसानों ने भूमिका ली, हम किसानों के साथ हैं और पूरा देश, पूरे देश को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये किसानों की जमीनों को बचाने का या फसल को बचाने का मामला नहीं है, ये देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का मामला है। इसलिए मैं 26 नवंबर को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे अपनी बात रखने के लिए आया। मेरे कार्यक्रम लगे थे संविधान बचाने के। मैंने कहा कि किसानों के आंदोलन के अलावा और कोई आंदोलन नहीं हो सकता संविधान बचाने जैसा। इसलिए मैं अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के 26 नवंबर को किसानों के आंदोलन में आया और मैंने तभी ये गारंटी, मुझे ये लगी कि बाबा साहब के संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो इस देश का किसान बचा सकता है, युवा बचा सकता है, महिला बचा सकती है।
सर ये CANRC की बात हो या फिर ये आप किसान आंदोलन की बात देख लीजिए, इन कानूनों को ये कहते हैं जो जिन्होंने इस कानून को लाया वो कहते हैं कि इनकी समझ नहीं है लोगों को, लोग इनको समझते नहीं है। आप जैसे प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग, कानून को समझने वाले लोग जब इनकी असलियत समझ सकते हैं। CANRC को लेकर हमने देखा IIT के प्रोफेसर्स ने एक टीम बना के उसकी बुराइयों को, उसकी खामियों को उजागर किया था, सरकार से मांग की थी कि इन कानूनों को बदला जाए, लेकिन उसके बाद भी ये एक ही चीज समाज में लाते रहते हैं कि इनमें कुछ गलत नहीं है, इसमें आपको बहकाया जा रहा है। कौन किसको बहका रहा है यहाँ पे? देखिए, मैंने ये सारे स्टेटमेंट्स पर सुने थे। स्मृति ईरानी जैसी जो व्यक्ति है, मिनिस्टर, वो तो एजुकेशन मिनिस्टर में भी रह चुकी थी। जो 12वीं पास है या ग्रेजुएट है वो भी उनको नहीं पता, जो 12th पास नहीं है उनको समझ में आ गया है कि ये कानून कैसे अच्छे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, जो संविधान पर जिनकी PhD है, ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, 12वीं फेल मिनिस्टर की सुने या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की सुने? पैनल्स बैठ रहे हैं, CANRC किस तरह से लोग मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये इलीगल है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 15 जब आपको कहता है कि इस देश में नागरिकता हो या न्याय हो, वो किसी के धर्म को देखकर नहीं दिया जाएगा। ये कहते हैं हम वहां से हिंदुओं को लाएंगे, लाना है तो नागरिकों को लाइए, अगर सही में वहां पर कोई प्रताड़ित है तो वहां के लोगों को लाइए। ये हिंदुओं को स्पेसिफिकली लेकर आ रहे हैं, आप यहाँ के हिंदुओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हो और वहां से लेकर आ रहे हो। तो ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, इनको उस लॉ के बारे में पता नहीं है। आज इतने सारे किसान इस देश में रास्तों के ऊपर बैठे हैं, और ये जो जिन लोगों ने कभी हाथों में हल नहीं लिया वो लोग समर्थन में किसान आंदोलन के समर्थन में बातें कर रहे हैं। जो लोग पेपर्स में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, जिसमें समर्थन के लेख लिखते हैं, उनको ये केसेस हैंड ओवर कर रहे हैं कि इसमें न्याय दो। अब ये क्या न्याय देंगे? इसलिए ये जो लोग जो बातें कर रहे हैं, स्मृति ईरानी जैसे, हेमा मालिनी जैसे लोग, ये लोग किसान, खुद को किसान बताते हैं, तो ऐसे लोगों के बातों को हम लोग 1% भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बेरोजगारी, महंगाई, देश में जो अभी स्थितियां हैं समाज, समुदाय विशेष को लेकर, और सांप्रदायिकता जो अभी इस वक्त बहुत ही खतरनाक अपने मुकाम पर है, इन सब के होने के बावजूद अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछे कि आप जीतेंगे कैसे, आप 300 पार का नारा देते हैं कैसे पूरा होगा, तो अभी भी वो यही कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारे उसी नारे पर हम जीत के आएंगे। आपको क्या लगता है, अब ये संभव होगा? देखिए, अभी देश की जनता ये जान चुकी है, इनका हिंदुत्व ये झूठा हिंदुत्व है, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, ना तो हिंदुत्व से लेना देना है। ये सिर्फ मनुस्मृति के पैदावार है और मनुस्मृति के समर्थक है। इसलिए देश के लोग, आज जो युवा है ये कौन है, कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, बेरोजगार, क्या वो मुस्लिम है? इस देश में सबसे ज्यादा UAPA के अंडर ST के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग आज जेलों में है, क्या ये मुसलमान है? तो ये जो सारे कानून ये बना रहे हैं, सारे बेरोजगारी के मुद्दे हो, सांप्रदायिक के मुद्दे हो, इनको अब पता चल रहा है, देश के लोगों को पता चल रहा है कि इनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपनी ब्राह्मणिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसमें सारे अधिकार ब्राह्मणों के पास हो और जो हिंदू है, जो शूद्र है इनके वर्ण व्यवस्था में, इनको गुलाम बनाया जाए। इनको नौकरियों के अधिकार नहीं हो, इनको पैसा कमाने का अधिकार नहीं हो, इनको जमीन रखने का अधिकार नहीं हो, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं हो। ये शूद्र कौन है? ये हिंदू ही तो शूद्र है, और कौन है? इस देश का OBC, इस देश का ST, इस देश का SC, इन्हीं को तो शूद्र बनाया है। तो ये वर्ण मालिका में खुद को ऊपर रखना चाहते हैं, और सबसे नीचे इस देश के हिंदुओं को, SC, ST, OBC के लोगों को, बौद्धों को, माइनॉरिटीज को नीचे रखना चाहते हैं। तो देश के लोग अब जाग चुके हैं, जाग रहे हैं, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया इस बातों को नहीं बताता हो, लेकिन मैं जब फील्ड में घूमता हूँ, जब मैं गली गली में घूमता हूँ, जो लोग कल RSS के पक्ष में कार्यकर्ता हुआ करते थे, जो RSS की विचारधारा को गली गली में जाकर पहुंचाते थे, आज वो RSS को छोड़ रहे हैं, और वो आज इस मूवमेंट में आ रहे हैं, संविधान को बचाने के मूवमेंट में आ रहे हैं। उनको भी पता चल रहा है कि इन्होंने भ्रम फैलाकर हम लोगों का इस्तेमाल हमारे ही लोगों के खिलाफ किया।
तो अब ये मुद्दा नहीं चलेगा हिंदुत्व का, या जो इनके जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो स्मशान घाट के मुद्दे आ जाते हैं, पाकिस्तान में दिवाली मनाने के, पटाखे फोड़ने के मुद्दे आ जाते हैं, तो ये मुद्दे अब काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।